बिहार पर तक पहुंचेगी, पूरा देश तक थोड़ा पाछड़ पीछे पीछे सोशल मीडिया में जाएगा। हम जो आए हैं बलात्कार के थोड़ा पाछड़ बॉर्डर सीधू कर लो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सीधू 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 भारतीय समाज के है, भारत देश के रहने वाले हैं और इनका अभी ये अनशन चल रहा है। कितने दिन से बैठे आप? 2 दिन से। और इनका प्रश्न ये है कि बेचारे बाहर राज्य से आए हुए हैं और यहाँ गुजरात में कोई कंपनी, कौन सी कंपनी? एलम फार्मा कंपनी में काम कर रहे थे वो लोग, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगी गया। इलेक्ट्रिक शॉर्ट में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उनका जो ये हाथ निकला गया, क्या नुकसान है? ये दोनों हाथ ये सब चला गया। और आप लोगों ने इसका डिमांड कब तक रखा? कंपनी पैसा जमा कराई 6-6 लाख रुपया, पची एनु जे ब्याज रही गया 6 लाख, पची केस जीत्या पची 6 वर्ष पची पैसा कंपनी जमा कराई एने ब्याज पर छगन गोड़ी गजवार पाछो केस मुकी 12% मंजूरी थी गया, अमने 2-2 लाख रुपया पाछो निकले छे। ये 2 लाख निकले एटले 3 वर्ष थी गया ऑर्डर नु, तो छता पण कंपनी पैसा आपती नथी, एटले छगन भाई कंपनी कई छे फरी वार रिपीट कर? कंपनी एलम फार्मा दहेज अंकलेश्वर। अभी कहाँ रहते हो? अभी यूपी से आए हुए हैं। जो भी कुछ बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से लगातार चलाना, हाथ ना दीजिए। तब तक आपका डिमांड पूरा नहीं होगा, तब तक आप अनशन पर बैठे रहोगे। फरीद एक वक्त मैटर रिपीट कर दो जोर से। देखो भाई, फिर से मैं बोल देता हूँ, आप बिहार से रहने वाले, बिहार के है, एलम फार्मा कंपनी में जो दो बंदे हैं मजदूरी कर रहे थे, लेबर काम अंकलेश्वर में, तो कंपनी में एक्सीडेंट की वजह से उनके दो हाथ और दो पैर उनके नुकसान, ये भाई का हाथ भी कट गया है। उनको जो सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से 6 लाख रुपया का जो मुआवजा तैयार हुआ था, उसको जब वो वक्त के तौर पर नहीं दे पाए, लेकिन उसका जो ब्याज बनता है उसका मसला है। सही है, तो मसला ये है कि उनका जो ब्याज बनता है वो ब्याज उनको मिला नहीं है, उसकी वजह से इन लोगों ने कलेक्टर श्री को भी आवेदन दिया है। और उसके साथ साथ तमाम भारत देश के, भरूच जिले के तमाम समाज के युवाओं को अपील भी करते हैं कि इनके अनशन के अंदर सहभागी बने और उनको सहयोग दे, ताकि अगर इनके अंदर इंसान खड़ा होगा इनके साथ, तो उनको इंसानियत का पता चलेगा कि इंसानियत है बराबर। तो इसके लिए दुआ भी करें और सब साथी इनके लिए हर वीडियो सोशल मीडिया में चलाएं। और ऐसे बहुत सारे अत्याचार भारत देश में रहते हैं, होते हैं, ये खाली हमारे देश में, तो ये प्रोपेगंडा है पूरा। और पूरे यहाँ शामिल सभी लोगों से अपील करते हैं, आप लोगों ने ये सुना इनका दर्द का, जो दर्द की कहानी है, आप इस पर शामिल हो, अपने जो कमाते हो खाने पेट भरने के लिए, उसके साथ साथ इंसानियत को बताने के लिए भी जंग लड़ो, वरना ऐसा हो जाएगा कि तुम भी गुलाम बनोगे, तुम्हारी नस्लें भी गुलाम बनेगी, बनेगी गुलाम नस्ल, तुम्हारी नस्लें भी गुलाम बनेगी, पशु जैसा जीवन जरना पड़ेगा। आगे जाओ, पशु जैसा जीवन जरना पड़ेगा, नहीं उठेगा, नहीं लड़ेगा, तो लड़ना तो पड़ेगा ही। बोलो बोलो जोर से, आगे आ जाओ, आगे आगे बोलो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, सोशल मीडिया पर जाएगा, मोदी जी पहुंचाना है, चोपड़िया है उसमें आप लोग बोलता है मेरा भारत महान है, लेकिन खाली महान बोलता है, हाथ लंबा करता है, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, गरीब के ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है। ये मजदूर है, ये दो बेचारे मजदूर, ये दो मजदूर है, उसका पूरा पाँव टूट गया, हाथ टूट गया है, अभी उसको कौन खिलाएगा? खाली कंपनी अपना जो ताकत रहता है तब तक कंपनी अपने को काम करवा लेती है, उसका हाथ पांव टूट जाता है उसको छोड़ देती है, उसको कुछ देने का भी नहीं चाहती है, पूरा अत्याचार हो रहा है, नहीं मिलता है, 3-3 साल के कोरट का क्या करता है ये कोरट? खाली बोलता है ये तारीख आओ, वो तारीख आओ, वो तारीख आओ, तारीख आकर के वो भीतर खत्म हो जाता है, बाद में वो आता ही नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा? तारीख पे तारीख चलता है, खाली बस तारीख ही देता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, 3-3 साल क्या तक कोरट खाली बैठा रहता है बस। ये देश इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि इस देश को धर्मवाद में बांटा जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है उनकी राजनीति के लिए। ये बोलो,
खाली अपना भेद बोलता है, ये मोमिडन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अरे यार, सबका साथ सबका विकास तो बात करता है, लेकिन वो बात चलता है क्या? सबका विकास होता है क्या? सबकी बात होती है क्या? कुछ नहीं होता है ये दुनिया में।